हेलो गाइस, आई एम अनिल, आई एम प्रिंट सूट मॉडल। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो वीडियोस बनाते हैं कि फेस पिंपल्स के लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि ना तो ऐसी कोई क्रीम बनी है, ना ऐसे कोई कर सकता है। आज तक मुझे एक बात बता दो, एक भी लोग 137 करोड़ लोगों में से एक भी लोग अगर क्रीम लगा के या कुछ किसी ने बताया हो उसको लगा, अगर एक भी लोग अगर गोरा हो या हो या हो, सिर्फ पिंपल्स थोड़े बहुत कम हो सकते बट पूरे नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब आप लोग जैसे कि आपने टिकटॉक पर देखा होगा कि यहाँ पे जाइए, ऐसे करिए, वैसे करिए, आपको मेरे जैसा होना है। फिर भाई, अगर तू इतना ही कुछ स्मार्ट है तो तेरी फैमिली में जो लोग हैं उनको कर लेना। गाइस देखो, कोई भी होए कंपनीज वगैरह, मान लो ये भी क्रीम्स वगैरह होती है, ये अब वो आपने वो मेड इन चाइना देखी हो, उसमें बोला था कि ग्राहक चूतिया होते हैं, ठीक है ना। तो आप चूतिया क्यों बनते हो यार? आप सब जानते हो, आप ऐसी बात तो हो ही नहीं। जैसे कि आप में से 60-70% लोग पढ़े लिखे हैं तो उनको तो समझना चाहिए ना कि आप इनकी बातों में लग रहे हो और किसी की बातों में लग रहे हो। अगर आप ये बता दो, जो हीरो रहते हैं, हीरो हीरोइन रहते हैं, चाहे तो वो भी फेस के लिए क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, दुनिया भर का जो भी कर सकते हैं, बट वो मेकअप कराते हैं। मेकअप इसलिए कराते हैं क्योंकि 4-5 दिन में मेकअप निकल जाता है, तो चाहते तो वो भी हमेशा के लिए क्रीम्स वगैरह लगाएं और यूज़ करके हर किसी की तरह गोरा हो जाए, स्मार्ट हो जाए। भाई स्मार्ट अंदर से होना चाहिए यार, सकल सूरत से तो हर कोई होता है स्मार्ट, और होते भी हैं, नहीं भी होते, बट दिल से स्मार्ट होना चाहिए। तो आप ऐसे हर किसी की बातों में लगते हो, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपसे कुछ बोलते हैं कि मेरे जैसा होना है, फलाने दिखाना या फिर कुछ भी, तो उससे आप बोलो। तेरी फैमिली में तेरे कजन्स होंगे, तेरे फ्रेंड्स होंगे, पहले उसको करके लेके आ, बाद में हमसे बात करना। तो आप ऐसे हर, मैंने बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत से तरह तरह, पहले मैंने भी बहुत सी क्रीम्स यूज़ की हैं और पहले बहुत स्टार्टिंग में किया है। तो मैं जब भी मॉडलिंग शूट के लिए जाता था ना, तो बड़े बड़े फोटोग्राफर रहते हैं ना, वो फेस को देखते ही मुझसे बोलते थे कि आपने भाई ये क्रीम यूज़ की, तो उनका इन्फेक्शन रहता है, ठीक है ना। डॉक्टर कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप ये क्रीम लगाइए, ये क्रीम लगाइए, सिर्फ वो डॉक्टर बताता है इन्फेक्शन के लिए क्रीम्स आती हैं, पिंपल्स के लिए थोड़ी बहुत आती है जैसे कि आप यूज़ कर सकते हो थोड़ी बहुत, बट हर किसी की बातों में लग के एक तो फेस की लग जाती बाट, जो भी मेडिकल क्रीम्स यूज़ करता है फेस की लग जाती बाट। मैंने भी की थी, मेरी भी फेस की बाट लग गई थी। तो मॉडलिंग में जो मेकअप करते हैं ना, गला अलग दिखता है, फेस अलग दिखता है, तो मैंने ये नोटिस किया है और मैंने ये फेस भी किया है। तो मेरे ना एक एक दिन में 3-3 मेकअप होते थे, कभी यहाँ मेकअप किया, कभी फेस पे मेकअप किया, ये दिख रहा अलग, ये दिख रहा अलग, कभी हाथ अलग दिख रहा है, कभी अलग, मतलब हद से ज़्यादा। तो जो जैसे कि लोग जैसे हैं वैसे रहो, नेचुरल तो अच्छा रहता है। हर किसी की बातों में लग के लोग बस ऐसे ही हर किसी को बातों में लगाते रहते हैं। अगर आप हकीकत में स्मार्ट हो और आप अगर पढ़े लिखे हो तो आप भी सोचते होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। एक डॉक्टर भी बोलता है कि हमारी इजाज़त के बगैर कोई भी मेडिकल क्रीम यूज़ नहीं करना। अगर जैसे कि नेचुरल उपाय आप अपना सकते हो, नेचुरल्स जो भी होते हैं, अब जो भी हैं आप मेरे को कमेंट्स में बताइए, और जिसको भी फेस के बारे में कुछ नेचुरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और प्लीज़ मेरे को आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चाइनीज़ ऐप आप यूज़ कर रहे हो, आपको पता है कि भारत और चीन के बीच में क्या हो रहा है, तो आप चाइनीज़ ऐप यूज़ करते हो जिससे उसकी चीन की इनकम है ना ज़्यादा हो रही है। तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि चाइनीज़ ऐप प्लीज़ यूज़ ना करें। बाय, आपका ख्याल रखें।